धीरे जी क्या कर रहे हो? अभी डिस्टर्ब मत करो यार, कुछ सोच रहा हूँ मैं। अरे तो इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सोच रहे हो तो क्या ऐसी कुछ क्रेजी सी आइडिया ना मेरे दिमाग में आती नहीं है। करने जाएगी? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि क्या यूनिक करे जाए। करो। बिल्कुल भी नहीं कि क्या यूनिक किया जा सकता है जिसमें बिल्कुल मजा आ जाए और ये जो बोर सी लाइफ है ना वो काफी अच्छी लगे सुबह उठे बाद। तो उसके लिए ना आपको अभी मस्त से सो जाना चाहिए, सुबह बहुत अच्छी लाइफ लगेगी। नहीं ऐसा नहीं होता है, जल्दी सोओगे तो फ्रेश उठोगे ना। नहीं रोज ही ऐसे होता है, सोना उठना ऑफिस, खाना पीना ऑफिस, सोना पीना खाना वही। तो फिर कहीं घूमने चले? तो नहीं यार कुछ यूनिक सा चाहिए कि यार सुबह इंसान उठ जाए ना तो इतना फ्रेश लगे इंसान को कि मजा ही आ जाए। 2 दिन पैक लगा लो फिर। काश ऐसी मेरी किस्मत होती। चाहिए तो बताओ। तुम तो जीना आराम कर देते हो ना मेरा, तुम कहाँ पीने देते हो मुझे। नहीं तो आपको सुबह एकदम फ्रेश वाली चीज चाहिए ना। तो फ्रेश उससे तो और सर दुखने लगता है सुबह सुबह, पता है आपको। पता नहीं, ट्राई नहीं किया कभी। हस्बैंड करता है उसे ठीक से करने देते हो क्या तुम। थिंक और क्या, मैं क्यों करने दूंगी? तो मैं अभी अच्छा तो नहीं बोला, होता सेहत के लिए। तो अभी तो बोला आपने 3 पैक लगा दो। वो तो मैंने आइडिया दिया ना, आप कुछ सोच रहे थे तो। तुम्हें क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जिससे ना लाइफ कुछ यूनिक सी लगने लगे। मेडिटेशन करनी चाहिए, जिस ध्यान नाइट और में मेडिटेशन। रात के टाइम में हाँ, सीरियसली रात को करके सोने से बहुत अच्छी नींद आती है। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको पति देव? एक चीज है जिससे ना बड़ा मूड फ्रेश होता है, पता है तुम्हें। ऑब्वियसली रोमांस, लेकिन वही 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 मुझे लगा वही था आप वर्कआउट बोलोगे। ए हाँ, वर्कआउट से थकान वर्कआउट होती। करने से ना बहुत फ्रेश फील आता है, तो एनर्जी आता है। अभी बड़ा बड़ा ना मैं से आलसी हो चुका हूँ जब से तुम्हारे से शादी हुई है, ठीक है। पहले पहले तो जैसे बड़े वर्कआउट करते थे, मैं जिम में जाता था यहाँ अब तुम्हें लड़की मुझे था में सब पता है मुझे। तो गलती तो मेरी वही होती थी ना, उधर से आकर मैं तुमसे सारी बातें शेयर करता था जब तुम मेरे बेस्ट आप फ्रेंड तो हुआ लड़की करते ही थे। तो डांटते थे ना। वही ना, जब तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, अब मुझे क्या पता था कि तुम मेरे मस्त के आ जाओगे। मैंने गलती की ना आगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, नहीं, बोलने का मतलब तो यही था ना कि मैंने गलती की आगे। मस्तक ही नहीं बोला, मस्तक की मतलब मस्त हुई अपनी शादी, उसका मतलब ये होता है। बस वर्ड प्ले कर लो। तो फिर अच्छा बताओ, क्या बता रहे थे? मुझे किचन में भी जाना है काम में। क्या ठाक 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 करती हूँ ना। श्रुति एक ना मस्त आइडिया आ गया, लेकिन तुम्हें उसमें मेरा साथ देना पड़ेगा। जो भी आइडिया है उसमें ऑब्वियसली अच्छा, डांस करना है तो मैं दे दूंगी साथ, बताओ। देख लो, बाहर के डॉग भी हाँ बोल रहे हैं। अच्छा तो उनके साथ ही कर लो फिर। आइडिया सुनने बाद ना तुम ये सब जो लाइन बोली है तुमने तो खुद ही खुद पर हंसोगे, ये उनके साथ ये धीरज कैसे कर सकता है। और तुम इमेजिन करोगे ना तो इतने जोर जोर से हंसोगे ना सीरियसली। अच्छा पहले बताओ। कैसे बताओ यार। से देखो दिखाओ। अच्छा दिखाना नहीं है, कुछ बताना है। बताओ। देखो सुहागरात के दिन क्या होता है। सुहागरात के दिन शादी होती है। शादी के बाद क्या होता है। शादी के बाद क्या होता है?
के बाद लड़की अपने ससुराल आ जाती है, क्या होती है? अरे ससुराल आ जाती है अपनी, इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? तो शादी के बाद उसे खाली आएगी ना। ससुराल के जाने से पहले रात में क्या होता है? ससुराल में जाने से पहले रात तो शादी होती है, तो शादी के बाद क्या होता है? अरे शादी के बाद डिवोर्स होता है। ओ सॉरी सॉरी, शादी के बाद, अरे मैं भूल गई थी, सॉरी। हाँ, शादी के बाद तो बच्चे होते हैं। सुहागरात के दिन क्या होता है? सुहागरात के दिन रूम डेकोरेट होता है, और रूम डेकोरेट होके बाद बेड पर क्या होता है? रोज पेटल्स गिरे होते हैं, रोज क्यों बिखर जाते हैं? वो बिखराना पड़ता है तभी वो अच्छा डिजाइन लगेगा ना। तुम जाओ, तुम किचन साफ करो, तुम जाओ जाओ अरे जाओ। अपने आइडिया बताए नहीं, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जब से। अरे तो क्या हम रूम डेकोरेट करेंगे, तो नहीं क्या दोबारा शादी करेंगे? नहीं 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 आइडिया इतना आपका सा है। दिमाग खराब हो चुका है लगता है मुझे। तुम ना सुनो मेरी बात, आइडिया इतना सा है श्री कि ना देखो, मैं बिना सोचे समझे बात बोल देता हूँ, मुझ पर चिल्लाना हो तो मत चिल्लाना, ठीक है? चिल्लाना हो तो मत चिल्लाना, तुम्हें मतलब मैं नहीं चिल्लाऊँ, तुम्हें जो करना है करना, लेकिन मेरी बात सुन लो। बता दो। बढ़िया ना, लाइट ऑफ करके ना, सो जाते हैं, पता था बिना वो नहीं तो बिना है। बिना कपड़ों के। हाँ क्या बेटा, कपड़ों के? अरे बिना कपड़ों के देख लो, डॉग भी आओ बोल रहे हैं। यही बोला था ना, डॉग की बात कर लो। डॉग वैसे भी कहाँ कपड़े पहनता है, नहीं अब तुम इमेजिन करो, खुद ही हंस जाओ। नहीं तुम खुद ही हंस लो। ये सोचो डॉग रहेगा, अरे अपने डॉग को आग करके सोए। वो डॉग भी कितने कितने गलत टाइम पर चिल्ला रहे हैं ना। हाँ, उनको हमारी बातें सुनाई दे रही है। इस लगी श्रुति आइडिया, बिना कपड़ों के सोने का आइडिया, क्या मजा आएगा ना यार, क्या फील आएगा ना, इससे इंसान एकदम फ्रेश उठता है। बढ़िया फ्रेश उठता है। मैंने क्या बोला, रोमांस करके तो ये सब करता ही इंसान, राइट? लेकिन आज कुछ करे बगैर और बिना कपड़े के सो जाए तो वाओ। फालतू आइडियाज कहाँ से आते हैं? ये सब फालतू आइडियाज देता कौन है आपको? सबसे पहली बात, इससे लिए जाते हैं हाँ किसी दोस्त ने बताया आपको? दोस्त, सारी ये बातें शेयर करूंगा मैं बेवकूफ को। तुम दोस्त तो ऐसे ही बता देते हैं ना। मेरे ऐसे दोस्त नहीं है, ठीक है? पहली बात तो अच्छा, इतने शरीफ रूप से होके बता नहीं। इतना बढ़िया आइडिया देना मैंने, थैंक यू बोलो मुझे, थैंक यू बोलो। ये बढ़िया आइडिया था, इतना बेकार आइडिया है। देख लो पहले ना। हाँ, सुनने में बड़ा मजा आया क्या? तुम्हें। हाँ कुछ भी मत बोलो, ठीक है? अच्छा तुमने लड़कियां ना बड़ी चाला को दिए, पता है? सारा क्यों? दिल सब होता है तुम्हारा, लेकिन ज्यादा का भाव खाना होता है, खुद को कभी आगे नहीं करना होता है, मैं कभी खुद भी को नहीं। क्यों आगे करूँ? शादी के टाइम आपने मेरे फेरे मुझसे पहले दिए थे ना, मेरे आगे चलने का, फिर हाँ आगे चलो मेरे। तो ठीक है, ये सारी चीजें मैं बोल कर नहीं दिखाऊंगा, करके दिखा दूंगा फिर। अभी तो क्या करना है? बता दो दिया, अब क्या करना है? तो ठीक है, मतलब ऐसे सोना है? बहुत कुछ करना है अभी तो। अच्छा आज तो रात भर तुम अच्छा सोने, कौन सी फिल्म देख के आए हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने गंदी फिल्म देखना चालू कर दिया? पक्का देखा होगा। ए हाँ वही से आइडियाज आते हैं ना सारे। जब इतनी क्यूट भी है मेरे पास, तो मैं ऐसे काम क्यों करूंगा? मैं आपको फिल्म नहीं दिखाती ना। नहीं, ऐसो हाँ बस लो। सॉरी सॉरी, ज्यादा कुछ बोल गई मैं, पर मैं बस बता रही हूँ कि आपने पक्का कुछ ना कुछ देखा होगा। संगत का असर है सारा,
मेरी तरह होते जा रहे हो तुम दिन ब दिन बेशरम। बेचैनी वाली बात कौन कर रहा है? नहीं ऑब्वियसली मैं तो करते ही बैठा हूँ, मुझे क्या काम होता है। बेशर्मी करो। देखो श्रुति मुझे ना किचन में बहुत सारा काम है, आपको जो यहाँ पे करना है आप करो। अकेले घंटिया हाँ तो अरे बजाओ, तो आपको तो अकेले सोना था ना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है पागल। आपको तो बिना कपड़े के सोना था, तुम सो जाओ। तो मुझे तुम्हारे साथ सोना है। तो मैं तो आ ही जाऊंगी ना, पर मुझे काम है अभी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो भी नहीं हो मेरा क्या सकता होना था? तुम्हारा। जो होना था वो तो हो नहीं रहा है। तो तो होने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती है, कैसे बिना कपड़ों के समझाओ। सोऊंगी तो कल हमारे बीच में एक बच्चा सो जाएगा। और नहीं बच्चे फिर उसके बीच में जो उसके लिए ना प्रोसीजर, टाइम होना चाहिए, कभी भी कुछ भी बोलोगे तो नहीं हो सकता। उसके बीच में जो प्रोसीजर होंगी उससे तो कुछ होगा ना। उसके लिए टाइम लगता है, आपके पास टाइम है? अभी तो आप रात, दोनों बिस्तर में लेटते सो जाओगे। अभी रात है पूरी बाकी, ठीक है। अरे तुम्हें किचन में जाना क्यों होता है, मुझे तो समझ नहीं आता इस टाइम। वैसे किचन भी में काम रहता है ना, अभी ठक ठक कर रहे तो मैं देखने आई कि पता नहीं क्या ठक ठक हो रहा है। तो रहने दो, सुबह कर लेना। सुबह ना नहीं होता है वो सब, मैं बर्तन ठीक करूँ या जगह ठीक करूँ, दोबारा से ब्रेकफास्ट बनाऊँ, बहुत हैट्रिक हो जाता है। फिर आप ही चिल्लाने लगते हो, छोटी नाश्ता। इसके अलावा भी कोई जिंदगी होती है। तो मेरी तो यही पे सिमट के रह गई है ना शादी करने के बाद। कुछ कुछ मुझे काम करने देते तो मैं करती, फिर मेरी जिंदगी अलग होती। हस्बैंड की कुछ इच्छाएं होती है, क्यों मार रहे हो उसे। तो हस्बैंड की इच्छाएं तो कभी खत्म ही नहीं होती, मैं उसको पूरा करती रहूं, मेरी लाइफ ना देखो। तो तुम्हारे क्या बर्तनों में लाइफ जा रही है कि फिर। मेरा तो काम वही है ना। गेट आउट, मेरा टक टक ही ठीक है। जाओ जाओ, करने से क्या हो जाएगा? मुझे कोई और आइडिया सोचना पड़ेगा। तुम जाओ तुम्हारा काम करो। अच्छा धीरे सुनो ना, सुनो तो मैं बोलो ना। आती हूँ 5 मिनट में। ओहो मेरी इच्छा पूरी हो रही है। अच्छा वो आएगा देखा जाएगा। सुनो तो फिर, सुन के जाओ कुछ। आई लव यू, चाहो ना तो फिर। कितने देर बाद बात कर रहे हो। हाँ ठीक है।